प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है आप लोग का 2023 का इंग्लिश का, ये ओरिजिनल पेपर है। ऑडिशन से तैयार कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। देखिए यहाँ पर सीट जो है वो 316 AB, 316 AB का सन 2023 का इंग्लिश का ये क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इस पेपर को आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आप लोगों को एक जो होगा वो आधार मिलेगा कि किस तरीके से आपका पेपर पूछा जाएगा। ये आपका एकदम ओरिजिनल पेपर डिवेशन, और सेट आपको मैं जो बता रहा हूँ ये देखिए 316 AB, ठीक है ना। ये पहले ही मैंने बताया आपको इंग्लिश क्लास 12th के बच्चों का। देखिए सेक्शन ए में जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ आप लोग को पहले मिलता है रीडिंग, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका। इस रीडिंग के बेस पर यहाँ पर देखिए पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना, और जो जो बातें पूछी गई है वो बातें देखिए यहाँ पर आप लोग को लिखना है। देखिए यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी मिलता है आप लोग को, देखिए ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये कौन है ना, यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है आप लोग को स्कैनिंग वाला, ये जो पेपर मिलता है आप लोग को जो बोर्ड का, तो इसमें इस तरीके से रहते हैं। एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, देखिए इन सब चीजों को देखिए करना है। राइट द नाउन ऑफ वर्ड्स ऑफ द बिलीव, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन एम, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। जब सेक्शन बी में आप बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर तो 100 से 150 यानी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, द बुक विच यू लाइक मोस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, ठीक है। डिस्टेंस इस पर तीनों में से किसी पर भी एनी वन ऑफ, ठीक है ना, आर्टिकल लिखना है। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्किंग वॉक एंड बैलेंस्ड डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, या तो ये लिखिए, या तो इसके अलावा हम देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। जब यहाँ पर पढ़ते हैं आप लोग देखिए सेक्शन सी की ओर, तो देखिए यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन यहाँ से पूछा जाता है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बहुत ही सिंपल है, बार बार पूछा जाने वाला। ऑमेडेशन जो बताया हुआ था वन मोर सब्स्टिट्यूशन वाले में, पका दे अच्छे से बताया इसको। फ्रिज के बारे में, फ्रिज भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया है, सिनोनिम्स भी बताया। देखिए डेस्टिनी देखिए पूछा गया है आप लोगों से यहाँ पर, तो उन सभी को एक बार आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए टाइम्स ऑफ पेट्रियॉट, ठीक है ना, सबको देख लीजिएगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड टू यू लेट अस हैव सम म्यूजिक, देखिए लेट अस वाला है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क वाला एक दिया गया है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट, इन कॉम्प्लेक्स वाले में, कॉम्प्लेक्स वाले में देखिए एक्टिव वॉइस यहाँ पर है, एक्टिव वॉइस है वन ऑफ द फॉलोइंग बाई प्रिंसिपल, ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंटिस्ट टीचर बाई द प्रिंसिपल, तो ये है एक्टिव वॉइस में, इसको चेंज करना है। सी इज टू फॉर टू रन इन टू निगेटिव सेंटेंस में, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, देखिए ही ट्रीट मी एज इफ आई वॉज ए किंग, ये इस तरीके से डिस्टेंस है। एनी वन योर मेक योर दिया मीनिंग क्लियर, देखिए कैनवास कैनवास, कैरियर कैरियर, ठीक है। इसमें भी देख लीजिएगा, इस पर मैंने बहुत सारे अपने लेक्चर दे रखे हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता, बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। छात्रों के लिए तो सभी का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है, तो ये इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना है। सेक्शन डी में जब आप पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिटरेचर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों का ना, चर्च क्लॉक स्ट्रक हो गया, सीमापुरी, चंपारण, देखिए गांधी जी चंपारण, व्हाट डिड ही फाउंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर, इन क्वेश्चन आंसर को स्क्रीन शॉट मार लीजिए और उसे तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। डगलस का भी देखिए पूछा आ गया है, और ये देखिए आप लोग का यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, माई मदर 66 किप्टी कीपिंग क्वाइट हो गया, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कमला दास वाला जो है, देखिए माई मदर 66 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 46 40 वर्ड्स में देखिए यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन आंसर, एनी वन द फॉलोइंग 80 वर्ड्स में लिखना है यहाँ पर, तो स्क्रीन शॉट मार लीजिए, इनको कर लीजिए अच्छे से तैयार। ये रहा आज का वो, ये ओरिजिनल पेपर मैंने आप लोग को दिखाया, ठीक है ना, ये है आप लोग का इंग्लिश का, इसे तैयार कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 950-690-2727 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की यही चाह तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। ये इंग्लिश क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था, ठीक है, और ये ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्रहों से ममता पूर्वक धन्यवाद।